लोन अमाउंट 5,850,000 रुपए, अब तक का पूरा जो कंप्लीट भुगतान किया गया है वो 4,00,000 रुपए, बाकी अमाउंट रह गया, एक भी रुपया पेमेंट नहीं किया पिछले 2 साल से, जो ईएमआईज हैं वो डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट होती रही। जब पेमेंट नहीं किया, काफी एजेंटों ने कॉल करके परेशान किया, काफी डराया, काफी धमकाया, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना परेशान कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। फिर काफी लोगों से एडवाइस ली, यूट्यूबर से एडवाइस ली, अधिवक्ताओं से एडवाइस ली, पूरी तरीके से जो कॉल मैसेजेस जो हैं वो हमारे द्वारा इग्नोर कर दिए गए। और जब हमने सब चीजें इग्नोर कर दी तो आज और अभी हमारे पास में एक मैसेज प्राप्त हुआ है टेक्स्ट के फॉर्म में, इसमें कि बताया गया है कि हमने आपका जो वारंट है वो इशू कर दिया है, अब ना तो इसमें आपको कोई बेल मिलेगी और अब आप सीधे जेल जाएंगे, हम फलाना बैंक से बात कर रहे हैं। ये मैसेज देख करके कुछ समझ नहीं आया क्या करें, किसको अपनी व्यथा सुनाएं, आस पड़ोस वालों से, रिश्तेदारों से डिमांड की कि भाई हमें आप कुछ टाइम के लिए इतना पैसा दे दो, अन्यथा हमारे साथ में ये हो जाएगा। सब ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई पैसा नहीं दिया, अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे अपना बचाव करें, कैसे अपने आप को हम इन बैंक और एनबीएफसी से बचाएं, बताइए सर हम क्या करें, अन्यथा हम मजबूरन सुसाइड कर लेंगे। जब इस प्रकार का मैसेज मैंने देखा, इस मैसेज को देख करके मैं काफी आश्चर्यचकित रहा। मेरे पास में अभी वीडियो क्रिएट करने का वक्त नहीं था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर के साथ में ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में भी गाइड कर दें, और हो सकता है कि और किसी व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाए और कोई व्यक्ति गलत कदम उठा ले। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आप भुगतान नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपकी इज्जत पर प्रहार करते हैं, आपके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित करते हैं और बहुत ज्यादा आपको बेइज्जत करते हैं। ये प्रक्रिया जब आप एक ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, उसके बाद में रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आप जवाब देंगे तो आपको गालियां भी देंगे, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके घर पे आ जाएंगे, घर पे आकर के भी कुछ नहीं मिलेगा तो आपके आस पड़ोस वालों को कॉल करके कहेंगे, आस पड़ोस वालों से भी कुछ मतलब नहीं लगेगा, आपको उल्टे सीधे नोटिस भेजेंगे, फिर कुछ दिन के लिए शांत हो जाएंगे, फिर अचानक से फिर दोबारा वही काम शुरू होगा। तो ये एक साइकिल वाइज ये लोग करते रहते हैं ऐसा काम। अब देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भी बैंक एनबीएफसी को वारंट इश्यू करने का कोई अधिकार नहीं है, ये काम है कोर्ट का, राइट। आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन ले लिया तो उस बैंक एनबीएफसी का पूरा जो कर्तव्य है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जानना चाहिए कि भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, आप हमारे कस्टमर हैं, आप बताइएगा किस प्रकार की दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये उसके विपरीत जाकर के आपको गालियां देते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं। अब जब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो बैंक का क्या पूरे तरीके से बनता है एनबीएफसी का, आपको पूरे तरीके से देखा जाए, जाना जाए आपसे कि क्या इशू है, फिर उसके बाद में आपको जेन्युइन नोटिसेस भेजे जाए और बताया जाए कि भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप जेन्युइन नोटिसेस का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तब जाकर के बैंक का जो पूरे तरीके से जो राइट कहता है वो कानून का सहारा ले और कोर्ट में केस डाले, कोर्ट से जब आपको सम्मन प्राप्त हो, नोटिस प्राप्त हो, तो आप उसका जवाब देंगे, तब जाकर के केस वगैरह का मामला होता है। अगर आप कोर्ट के नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जब जाकर के आपके वारंट इश्यू होते हैं। अब देखिए ये होता क्या है पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, जहां से कि मुझे जानकारी है, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं, अधिवक्ता बेहतर तरीके से इसको गाइड कर सकता है, लेकिन हाँ मैं इतनी जानकारी जरूर रखता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। जैसे आपने फर्स्ट डे लोन डिफॉल्ट किया, फर्स्ट डे से अगर आप 92 डेज तक एक भी ईएमआई पे नहीं करते हैं तो आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को अब किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। ये बैंक एनबीएफसी आपको कॉल करें, आपसे पूरे तरीके से बात करें, जाने नहीं जानते, फिर बैंक और एनबीएफसी 90 डेज बाद आपको पूरे तरीके से
सॉरी 92 डेज बाद आपको नोटिस जारी कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, जो लीगल प्रोसीजर है वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर अगर आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं तब जाकर के इनको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में जाकर के ये पूरे तरीके से केस कर सकते हैं। और जब केस करेंगे कोर्ट में तो आपको कोर्ट के भी नोटिस प्राप्त होंगे। अगर आप कोर्ट के 3 नोटिस को पूरे तरीके से इग्नोर कर देंगे तब जाकर के आपके जो वारंट है वो इश्यू होंगे। ऐसे ये बैंकों का कोई राइट नहीं है जो आपको वारंट इश्यू कर दे। इनका काम तो गुंडागर्दी करना है, डराना है, धमकाना है आप लोगों को। देखो बैंक और NBFC कोई न्यायालय थोड़ी ना है, कोई ये कोर्ट थोड़ी ना है। आप बताइए ये किस बिहाफ पर आपको वारंट इश्यू कर देंगे। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता आपको कि हाँ आप क्या करें, कैसे बचे इन चीजों से। और यार ये जो आप लोग सुसाइड की बात करते हैं ना, ये तो कया ही मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, इससे क्या होगा बताओ। अरे सुसाइड कर लोगे, 4 आदमियों में और बेइज्जती और होगी कि भैया अरे ससुरे पे पैसा ना दिया गया और लोगों का पैसा लेकर खा गया, बैंक का पैसा लेकर खा गया और जब दिया ना गया तो अपनी जान दे दी। तब बेइज्जती तो आपकी है, सुसाइड करने से तो बेहतर है फेस करो प्रॉब्लम को, सुसाइड करने तक क्या रखा बताओ। अरे अपनी जान तो देके जाओगे, अपने बीवी बच्चों को अनाथ करके चले जाओगे, आपसे बेहतर कोई आपके बीवी बच्चों का ध्यान रख पाएगा बताइएगा जरा मुझे। भाई भले ही आपके घर में सब हैं, चाचा हैं, बच्चों के दादा है, दादी है, सब हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई भी उनको परवरिश नहीं देख सकता, राइट। तो आप ये सब चीजें सोचने से पहले अपने आप को तो सोचें। अरे आप कायर कहलाओगे, सुसाइड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने रात को मैसेज देखा यार, मैंने कहा यार हद होगी यार, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब 3-3 बजे इतना डर दे रखा है व्यक्तियों को, रात को 3-3 बजे मैसेज आ जाते हैं आप लोगों के कि हम क्या करें। अरे भैया ये तो आप बैंकों की फर्जीवाड़े की बात कर रहे हो, अरे कोर्ट का भी अगर वारंट इश्यू हो जाए तो भैया बेल करा लो, अपने एडवोकेट से बात कर लो और एडवोकेट आपको बता देगा क्या करना है। और ये छोटे छोटे लोन के लिए कुछ नहीं होता, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख क्या होगा इसके लिए। अरे भैया बैंक का एक काम करेगा, बैंक कोर्ट में जा रहा, कोर्ट में वो डेट पे डेट लगा रहा, क्या थारी जेब में पैसे रखे, बैंक का पैसा नहीं लगेगा रहे। और बैंक को इसमें भी कोई तरीके से मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये पैसा मिल ही जाएगा। तो बैंक हमेशा भाई NBFC वो आपसे पैसा रिकवर करने का पूरा प्रयास करेंगे और वो उनका अधिकार है। लेकिन हाँ ये जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए RBI पहले से ही कार्यरत है, RBI भी चाहता है कि ये सब चीजें ना हो, लेकिन ये सब चीजें हो रही है। बट आप टेंशन को ले रहे हो यार, हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, मैं सुसाइड कर लूंगा यार, बड़ा दिमाग खराब होता है इस तरीके के चीज सुनकर। एक मैसेज पढ़ रहा था मैं, एक ये है विक्रांत शर्मा, इनका कहना है मेरा स्टैश पिंच है, जो लोन चल रहा है लगभग 30,000 रुपए के आसपास, ब्याज पेलेंटी लगा करके इतना बैठ गया है और मेरे पास पैसा नहीं है, बताइए मैं क्या करूं, मुझे मजबूरन सुसाइड करना पड़ेगा। अरे भैया 30,000 रुपए के लिए सुसाइड करेगा, इतनी सी छोटी सी कीमत पर जान की। अरे भैया मतलब ऐसे मैसेज भैया मेरे पास नहीं करा करो, सीधे ब्लॉक करूंगा, क्या होगा सुसाइड से बताओ। सुसाइड करना ठीक नहीं होता और ऐसे कोई वारंट इशू नहीं होते, राइट। वारंट इशू करने का क्या प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया है। आप अगर कोर्ट का नोटिस इग्नोर करोगे तो आपका पूरी तरीके से वारंट इशू होगा। और हाँ आपको जब भी कोई कोर्ट का हो सकता है ये फेक नोटिस भेजने बना करके, आप अपने मोबाइल फोन में ई कोड डाउनलोड कर लो, और ई कोड डाउनलोड करने के बाद में जब भी आपको कोई नोटिस आए तो वो केस नंबर डाल के उसमें जरूर देख लो कि रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म, सबसे बेस्ट तरीका यही है। नहीं तो भैया ये इनके चक्कर में तो लगे रहो, ये गुंडे हैं, ये बस पैसे चाहिए नहीं तो लूटना है लोगों को। तो आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि बैंक NBFC वारंट इशू कर रहे हैं, टेंशन फ्री रहिए, मैंने आपको इस वीडियो में गाइड कर दिया है क्या सारा मैटर है, फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड है, कोई ऐसे वारंट इशू नहीं होते। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, उनका करंट इशू है और उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, उनको बेहतर से बेहतर हेल्प चाहिए, तो वो हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए क्या करना होगा, हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करना होगा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट का इशू है, और बताना है आपको पूरे तरीके से कि आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है, हम आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे देंगे। यहाँ पर आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना है, बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर आप अपना
व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखें, कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप करेंगे इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का मेथड बता दिया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।